माता कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस्पात सेंटर की आड़ में कहीं देह व्यापार तो नहीं, इसके शक में वह नारे के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल छत्तीसगढ़ के प्रांत महामंत्री दीपक दुबे और रायपुर संभाग अध्यक्ष रश्मि जैन के मार्गदर्शन में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर के आकाशवाणी महाकाली मंदिर चौक से कलेक्टर ऑफिस तक विशाल रैली निकालकर इस्पात सेंटर का विरोध किया। साथ ही एसडीएम रायपुर को इस्पात सेंटर की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हम सभी जानते हैं किसी का दिया है ना, माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है जहां नारी का सम्मान किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गाय गोबर गोठान और श्री राम वन गमन पथ परियोजना के अंतर्गत जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसका उत्थान कर रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, भारत की संस्कृति का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री महोदय काम कर रही है। वहीं इस्पात सेंटर की आड़ में या इस्पात के व्यवसाय करने वाले लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस काम का, संस्कृति रक्षा की जो बातें वो कर रहे हैं उसको चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है और जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार से मांग करता है कि पूरे प्रदेश में इस्पात सेंटर बंद किया जाए। इस्पात सेंटर की आड़ में जो चल रहा है वो हम आप सभी जानते हैं, हर कोई इसके चंगुल में फंस रहा है। वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मीडिया के भाई हो, आम आदमी हो, हर किसी का बच्चा परिवार उस जगह में जाके इस दलदल में फंस रहा है। ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, समाज की, हमारी, शासन प्रशासन की, मीडिया की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर रूपी जो दलदल है उससे समाज को बचाएं और पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। दीपक दुबे, प्रांत महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद छत्तीसगढ़। सेंटर चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत से जो गांव की लड़कियां हैं, शहर की लड़कियां सब उसकी तंगी में फंसी जा रही है। जो बड़े बड़े घर के जो लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनको हम समझते कि वो ठीक ठाक है, लेकिन बट वो इतना गंदा काम कर रहे हैं कि कह नहीं सकते, सब तो बयान ही किया जाता। मैं रश्मि जैन, रायपुर संभाग अध्यक्ष।